अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ शनिवार को धर्म गंगा कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और आज हम जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी उन तथ्यों के विषय में जिसका उपयोग हर दैनिक पूजन में या जो शुभ अवसर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है शादी विवाह के अवसर पे या कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले वहाँ पे एक पत्थर की वस्तु रहती है जिसे कहीं शालिग्राम कही जाती है तो कहीं ठाकुर जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। आज उन्हीं तथ्यों पर चर्चा के लिए एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राधे, जय माता की। और आज हम जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी उसी शालिग्राम पत्थर के विषय में जिसको ठाकुर जी भी कहा जाता है और अक्सर शुभ अवसरों पे सत्यनारायण भगवान की पूजन के वक्त उस पत्थर का उपयोग देखने को मिलती है। हम जानेंगे महाराज जी आपसे सबसे पहले कि आखिर शालिग्राम ठाकुर जी कहे जाने वाली पत्थर वो क्या है। देखिए, मूलतः हमारे सनातन धर्म में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान व्रत त्यौहार पूजा किया जाता है उसमें मूर्ति या शिला का उपयोग किया जाता है। आत्मा से परमात्मा के मिलन को सामान्य बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए उसमें मूर्ति रखी जाती है। आपने जो कहा ये गोल सा पत्थर होता है वह क्या है, मूलतः भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से जब गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा के कमंडल होते हुए मेरु श्रृंग पर्वत से कलकल तेज धाराओं में जब गंगा प्रकट हुई तो गंगा के साथ पत्थर के विशाल विशाल चट्टान गंगा जल के साथ लुढ़कते हुए वह पृथ्वी लोक में आई और वह बार बार लुढ़कते 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 वह पत्थर छोटे छोटे गोले स्वरूप में वह परिवर्तित हो गया। वही ये शालिग्राम है जिसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसे सिंहासन पर स्थापित कर उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हुए परमात्मा के स्वरूप को मानकर परमात्मा के तरफ अपने आत्मचिंतन को लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं और हम अपनी कामना उनके सामने रखते हैं। ईश्वर कृपा से जन सामान्य लोगों का कामना पूर्ण होने लगता है तो हम उन्हें शालिग्राम मानकर, हम उन्हें विष्णु मानकर उनकी पूजा करते हैं। वही ये पत्थर। तो जैसा कि शालिग्राम जो होती है वो विभिन्न पूजा पाठ यज्ञ तप जो भी होती है सनातन धर्म में उनमें इस शालिग्राम की विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनको ईश्वर का स्वरूप मानकर उनका ध्यान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि इस पत्थर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मैंने बताया जब गंगा का प्राकट्य हुआ तो गंगा जल के धारा के साथ पत्थर की विशाल विशाल शिलाएँ बहकर आई, वही नीचे चलकर छोटे स्वरूप धारण कर ये सुंदर आकर्षण मनमोहक कुछ पत्थरों पे जनेऊ की जैसे पीली पीली धारियाँ होती है। हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि महर्षियों का मानना है जो भगवान कृष्ण यादवों के मन में अहंकार को देखकर अपने वांगमय स्वरूप को भागवत जी में और उस पाषाण के शिला में समाहित कर पंच तत्व रचित शरीर का परित्याग कर दिए। तो जितने पीले पीले धारी वाले पत्थर हैं हमारे ऋषि महर्षियों का मानना है जो ये भगवान विष्णु का शिला है, विष्णु स्वरूप मानकर उन्हें ठाकुर जी मानकर शालिग्राम मानकर उनका पूजन करते हैं, यही इसके उत्पत्ति की कथा है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि जो शालिग्राम होती है जिसे विष्णु रूप भी कहा जाता है, ठाकुर जी भी कहा जाता है, उनके कई प्रकार होते हैं ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये कितने प्रकार की होती है।
देखिए वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, 284 हमारे यहाँ रत्न है, 284 रत्नों की अभी तक खोज हो पाई है और 284 रत्नों का भी शालिग्राम शिला मिलता है। उसके बाद नर्मदेश्वर शालिग्राम मिलते हैं, स्फटिक के शालिग्राम मिलते हैं, पारद, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, स्वर्ण इत्यादि सभी वस्तुओं का शालिग्राम बनते हैं। शालिग्राम मुख्यतः लगभग कृष्ण और श्वेत दो तरह का शालिग्राम, सामान्य शालिग्राम कृष्ण यानी जो काले पत्थर का होता है, श्वेत सफ़ेद पत्थर का होता है, और एक तीसरा जिसमें धारी सफ़ेद और पीत बना होता है जिसको यज्ञोपवीत धारी शिला शालिग्राम कहते हैं। और अन्य जो होता है वैसे श्रेष्ठ शालिग्राम स्फटिक का शालिग्राम होता है जो पारदर्शी होता है, पारे का शालिग्राम अकाल मृत्यु शमन करता होता है, ये सब शालिग्राम पाया जाता है, लेकिन सामान्य पूजन में लोग काला और सफ़ेद शालिग्राम का उपयोग करते हैं। तो शालिग्राम अनेकों प्रकार की होती है जैसा कि महाराज जी ने बताया, और शालिग्राम मुख्यतः जो सफ़ेद रंग की होती है और एक काले रंग की होती है उसका उपयोग दैनिक पूजन में की जाती है। महाराज जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि पत्थर की पूजन सिर्फ पूजा पाठ में ही अनिवार्य है या इसका उपयोग हम घर में भी रख करके कर सकते हैं? देखिए मूलतः बताया गया है जो घर में जितनी प्रतिमाएं रखें, जितनी मूर्तियां रखें, शालिग्राम रखें, यह सब बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। एक अंगुल के मध्य का मूर्ति, शालिग्राम, चक्र इत्यादि घर में स्थापित की जा सकती है, शिवलिंग स्थापित की जा सकती है जो सामान्य पूजन कक्ष में किया जाता है। पर ध्यान रहे शालिग्राम, शंख, चक्र, कमल पुष्प, शिवलिंग, विभिन्न देवी देवताओं का चित्र जोड़ा नहीं होना चाहिए, दो की संख्या में नहीं होनी चाहिए, एक, तीन, पाँच विषम संख्या में आप रख सकते हैं पर जोड़ा नहीं होना चाहिए, दो स्वस्तिक एक साथ घर में नहीं बनाना चाहिए, दो शालिग्राम एक साथ नहीं रखना चाहिए, एक, तीन, पाँच की संख्या में रख सकते हैं। छोटे आकार का सुंदर शालिग्राम आप अपने घर के पूजन कक्ष में रख सकते हैं, दैनिक जीवन में उसका पूजन कर सकते हैं। तो शालिग्राम जो पत्थर होती है उसको विषम संख्या के रूप में अपने घरों में रखनी चाहिए और उसका पूजा किया जा सकता है अपने घरों में रख करके भी। तो महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजन करने से उस पत्थर का दैनिक जीवन में घरों में पूजन करने से उसका क्या लाभ मनुष्य पे पड़ता है, क्या लाभ होती है? देखिए जहाँ तक शालिग्राम पूजन की बात है क्या लाभ होता है, दो पक्ष होता है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आप वैदिक परंपरा को मानते हैं, आप वेदों के बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा। अन्यथा ईश्वर पे अगर आपको भरोसा नहीं है, आप शालिग्राम को पत्थर बेजान समझते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो पूजन करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मूलतः सर्वप्रथम एक बहुत बड़ी रोचक कथा है, सीमित समय में मैं उस प्रसंग पे हल्का प्रकाश डालूंगा। कलयुग आगमन से पहले 88,000 ऋषिगण एक साथ उपस्थित होकर कलयुग में कैसे सनातन धर्म के लोग अपने जीवन का यापन करेंगे इस पे परिचर्चा किए और उसी समय सर्वप्रथम शालिग्राम का पूजन किया गया। तो जिस समय कलयुग आरंभ होने वाली थी और उसी समय जो ऋषि मुनि थे हमारे यहाँ वो सब एकत्रित होकर के सबसे पहला पूजन उसी वक्त शालिग्राम जो पत्थर होती है उसका किया गया था और ये मनुष्य के जीवन में काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। महाराज जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो शालिग्राम पत्थर होती है उसकी पूजन की क्या विधि होती है? जैसा कि मैं बताया जो कलयुग आगमन से पहले 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर तीर्थराज प्रयाग में एक बैठक किए और उसी में उन्होंने निश्चय किया जो कलयुग में कोई ऐसे व्रत कोई ऐसे अनुष्ठान का निरूपण निर्माण किया जाए जिससे सभी देवी देवता का पूजन हो जाए।
क्योंकि 56 कोटि देवी देवता और 88,000 ऋषिगण है। 56 कोटि देवता का पूजन करना सामान्य गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। एक का पूजन करें तो दूसरा नाराज हो जाए, दूसरा का करें तो तीसरा नाराज हो जाए। न कलयुग में लोग उतने धनवान होंगे, न ज्ञानी होंगे, न वे विद्वान होंगे, न वे लंबी आयु वाले होंगे जो कर पाएंगे। तो सबों ने मिलकर शालिग्राम शिला में संपूर्ण परमात्मा के एक स्वरूप का निर्माण किया और उसी स्वरूप को सत्यनारायण के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में सर्वप्रथम उन संत महात्माओं के बताए निरूपण के तहत उनका पूजन किया गया। उसके फल स्वरूप सभी देवी देवता प्रसन्न रहने लगे। पृथ्वी पे गृहस्थाश्रम, वर्णाश्रम, मनुशत्रुपा के द्वारा चलाए गए संतान परंपरा आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगा। युग युगांतर के बाद धीरे धीरे लोग उसको करने लगे, जगत प्रसिद्ध हुआ। ऐसे सर्वप्रथम शालिग्राम शिला का पूजन किया गया। शालिग्राम शिला का पूजन अगर आप उन पे विश्वास कर अपने घर में भी अगर आप तुलसी अर्पण करते हैं, केसर का तिलक उनको लगाते हैं, नित्य नैमित्तिक भगवान विष्णु की सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन का सभी दुख सौभाग्य में परिवर्तित होता है और आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है। शालिग्राम शिला का पूजन ऐसे प्रसिद्ध हुआ। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 56 कोटि देवी देवता परमात्मा जो है उनकी शक्तियाँ शालिग्राम पत्थर जो होती है उसमें समाहित है और उनका पूजन सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान की जब पूजा हुई तो उसी समय शालिग्राम पूजा को विराजमान कर उनकी पूजा की गई थी और तब से यह प्रथा चली आ रही है। यही कारण है कि आज भी सनातन धर्म में विभिन्न शुभ अवसरों पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और उसमें शालिग्राम पत्थर को विराजमान कर उनकी पूजा की परंपरा सदियों पुरानी जो है वो आज भी बरकरार है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।